बहुत डर लग रहा है। चार्ज कर देगी ना भैया, उनको बोलो चले, चलो चलो चलो, डर लग रहा बहुत। रोको रोको रोक दो, नहीं पर चलते बनो। जो उस दिन टाइगर वाला सीन हुआ था, उस दिन क्या हुआ था और मेरा क्या टेक है उस पर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उस वाले ब्लॉग पे। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। अरे कहाँ पर हो? मुझे लगा यहीं पर हो आप। मैं जरा काम से बाहर गई थी। ये इनका छोटा गमछा। गमछा नहीं, ये खानसा में है ना, तो खानसा में के तो ये हमेशा यहाँ रहना ही चाहिए ना। गर्मी इतनी है। ये क्या चीज़ सा रखा हुआ आपने? ये मैं पनीर पराठे बनाने लगी हूँ आज। हाँ कॉटेज चीज़ जो आते हैं पनीर पराठे, तंदूर वाले खिलाऊंगी। तंदूर वाले बनते हैं हमारा, देखो ये रहा हमारा तंदूर। और मैं मैक्सिमम टाइम ना पराठे तवे वाले नहीं खाता, क्योंकि वो जो है ना ऑयल वाले होते हैं, और हमारे जो तंदूर वाले होते हैं उसमें कोई ऑयल ही नहीं जाता। सो ये तो सिर्फ प्रोटीन हुआ ना, साथ में थोड़े से अच्छे कार्ब्स। हाँ सही बात। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, यू वॉचिंग माइल चेजर्स। आज सारे लोग सोच रहे होंगे भैया ये कैसे आज इसने घर से कैसे व्लॉग कर दिया। देखो बात ये वाली है कि अभी जंगल सफारी का तो कोई सीन बन नहीं रहा, क्योंकि मॉनसून मंथ्स हैं और हमने वैसे भी पहले ये चीज़ करते थे कि घर से व्लॉग बनाते थे, और मेरा मन कर रहा अचानक से यार चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो घर से थोड़ा सा व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ना फिर बातचीत भी फिर होती रहती है कुछ ना कुछ। और आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो ना किसी भी टाइगर साइटिंग को लेकर या फिर हमारे किसी भी ट्रिप से कुछ भी रिलेटेड, तो पूछ लिया करो, यहाँ पे बातचीत ईजी रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ी कैजुअली बातचीत करने का है। तो ब्रेकफास्ट बन रहा है, पहले ब्रेकफास्ट खाते हैं और उसके बाद बताता हूँ आपको आज क्या क्या करने वाला हूँ भाई दिन में। तो देखेंगे ये वाले ब्लॉग्स में अगर थोड़ा रिस्पॉन्स आपको अच्छा आ रहा हुआ और आपको अच्छे लग रहे हुए, तो थोड़े थोड़े बीच बीच में कंटिन्यू करेंगे, बट सारा डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। तो भाई शुरू में बोल रहा हूँ आज मैं आपको कि लाइक ज़रूर करना वीडियोज़ को और कॉमेंट्स अच्छे अच्छे करना, ताकि हमारे को अच्छी फीलिंग आए और YouTube को भी लगे कि हाँ भाई लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। पता क्या होता है साथ में व्यूअर्स के, आप टच में रहते हो ना, तो व्यूअर्स दोबारा बोलो भाई, व्यूअर्स के टच व्यूअर्स हमारा यही तरीके है ये तुम्हारा। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि भाई हमारी ये वाली कॉमेडी पूरा दिन चलती है, तो मजा भरपूर रहता है इन व्लॉग्स में। अपना ही होता है, हमारा अपना पुराने जमाने वाला। पुराने जमाने के लग तो नहीं रहे आप? नहीं हैं तो सही ना, एक्चुअल में अंदर से बाहर से नहीं हो। सही बात है, बाहर से चाहे ना हो। अब देखो मॉनसून व्लॉग्स आजकल नहीं हो पा रहे ना, तो फिर कुछ तो टच में रहने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ ये भी है। और आपको पता है मैंने अभी ये सोचा था कि हम कॉर्बेट जाने वाले थे मॉनसून की दो कुछ चीज़ों के लिए, वहाँ पे मेरे को किसी ने रिजॉर्ट के लिए भी बुलाया था भाई, उनको था कि थोड़ा कवर अवर भी हो जाए ब्लॉग रिजॉर्ट, और मुझे था कि मैं थोड़ा एक दो सफारी भी कराऊँ, वैसे मेरे को बोला था कि मॉनसून सफारी मैं करूँगा, और अभी हमारा डन था। आज हमने वैसे जाना था। हाँ, अरे हाँ, तो आज हमने जाना था, सोचा हुआ था, लेकिन इतनी ज्यादा बारिशें हैं वहां पर अभी कि सारे रिजॉर्ट्स में पानी भरा हुआ है, पुल टूट गए, तो कहा नहीं भाई ये एक और स्पिति वाला सीन नहीं कर सकते, जब हम जाके फंस गए थे पिछली बारिश में और भाग के वापस आए थे। तो करेंगे मॉनसून सफारी भी होगी जरूर, बट देखते हैं शायद अगले महीने करें, मगर होगी जरूर। वो वाले दिन वापस आ गए कि आप लोगों को हमेशा रेडी रहना है कि कभी भी कैमरा आ जाएगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा ही है, प्राइवेसी ब्रीच है एकदम। पापा तो अभी तक डर के बैठे हैं जब से पीलीभीत की वो साइटिंग देखी है। नहीं डरना तो मैं नहीं डरा था, मैं तो बल्कि उधर तुम्हें बचा सो कह रहा था, कोई बात नहीं ठीक है। अच्छा। और उस टाइगरेस को बोला था तू जा भाई, बहुत हो गई तेरी साइटिंग, प्लीज जाओ। ओह माय गॉड, इनको ऐसा हो गया था वहां पर, ये बोले जा रहे हैं यू प्लीज गो, तू चली जा यहाँ से, तू प्लीज चली जा। ऐसे नहीं बोला, ऐसे ही बोला आपने। ये श्री इतना डरी हुई थी, मैंने कहा ये बेचारी डरे जा रही है, मैं कहा प्लीज गो यार, ना हो गया तेरी साइटिंग हमारे को। ये श्री इतना डर के चेयर के नीचे थी और ये उसे कह रहे तू चली जा, तू प्लीज चली जा। बहुत डर लग रहा है, चार्ज कर देगी ना भैया, उनको बोलो चले, चलो चलो चलो, डर लग रहा बहुत। रोको रोको रोक दो, नहीं पर चलते बनो। सम एक्सपीरियंस यार, आई मीन लाइफ टाइम काइंड, आई मीन वंस इन अ लाइफ टाइम। मैं सबको यही कह रहा हूँ कि उस टाइम तो ना डर वाला सीन था, लेकिन अब सोच के लगता है कि यार क्या चीज़ है। हाँ देखा हमने, क्या ब्यूटीफुल टाइगर्स थी यार, आई मीन माइंड ब्लोइंग। और वो एकदम मेल जितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी इतनी दिल करना था कि लाइक उसका फर, उसका कोट वाज सो क्लीन एंड ऑल दैट, लाइक छूने का मन कर रहा था, छूने का मन कर रहा था एक्चुअली। बस व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं, इनको अगली बार से नहीं लेके जाना। नहीं मैंने छू रखी है ऐसी टाइगर्स,
उस टाइम पे जब बैंकॉक में ऐसा होता था, और जो कि ये बहुत गलत चीज है, अच्छा बंद हो गया, क्यों होता था, मतलब बंद हो गया, अच्छी बात है बंद हो गया, गलत चीज है। मैं तो जूस के भी अगेंस्ट हूँ, बैंकॉक वाले तो टाइगर तो बहुत अलग बात हो गई। मतलब बेस्ट वाज दैट कब, छोटा सा कब मैंने जो पकड़ा था स्टार्टिंग में जगह होटल पे, दैट वाज सो, वो एक किसी जमाने की बात है बैंकॉक में जब एसीज हुआ करती थी, अभी होती होगी। टाइगर टेंपल होता था, टाइगर टेंपल तो बंद कर, अच्छा क्यों उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो तो ऐसे ब्रीडिंग करते थे, बेचते थे, सेडेटेड होते थे वो, दैट वाज वेरी बैड। सच में यार, मतलब टाइगर को कैप्टिविटी में रख के क्या मजा, ऐसे जंगल में जाकर देखा को तब पता चलेगा क्या है, ऐसे उसको इंजेक्शन दे के सुला रखे हैं वहां पर बैंकॉक में, इसकी टांग पकड़ के घुमा दो, इसकी पूंछ पकड़ के घुमाओ, हां करके देखो तुम, तुम्हारे को बताएगा टाइगर। मतलब मेरे को तो बहुत बुरी लगती है ये चीज, है बुरा था, बहुत ही बुरी चीज, इतना बूढ़ा टाइगर बिठा रखा है, उसको पकड़ के बैठ जाओ। बूढ़ा टाइगर, अपनी बात कर रहे हो क्या? टाइगर तो बोला आपको, कम से कम बूढ़ा ही हूँ, अब मैं टाइगर हूँ। हाँ, जान के बोलो ताकि कमेंट करे लोग, कह रहे अंकल तो बूढ़े नहीं लगते है ना। नहीं बूढ़ा, कमेंट्स आते हैं मेरे लिए तेरे। चलो भाई एक बार स्टेटस चेक कर ले, मैं ब्रेकफास्ट का तो अभी डला ही है। बड़े बेस्ट चीज़ है भाई, मैं अपने बहुत सारे पहले भी ब्लॉग्स में चीज़ बोली कि तंदूर ऐसा वाला हो ना तो एकदम बढ़िया सीन चलता है, और आप ऐसा भी नहीं लगता कि आप बहुत कुछ अनहेल्दी सा खा रहे हो, हेल्दी फीलिंग आती है इसमें। फीलिंग क्या होता ही है यार, कुछ डलता ही नहीं जब। भाई आ गया अपना पराठा अचार के साथ, एकदम हाईवे वाली फीलिंग आ गई है। और भाई देखो छुट्टी वाला दिन अपन खाते हैं एकदम बेड पे बैठ के, डाइनिंग टेबल को तो मतलब बेच ही देते हैं हम उस दिन। इधर टाइगर कहाँ है, रुद्र टाइगर, टाइगर कहाँ है, टाइगर ले लो, टाइगर वहाँ है, टाइगर रुद्र को भी पता है टाइगर। बेटे मेरे वाला टाइगर दिखाया ना तेरे को मैंने, जो हमारे को मिला था उसके साथ तू ये ना कर पाता। सूंघ रहा है उसको। कहाँ फेंक गया उसे, बाय रुद्री। ये रहा बेचारा टाइगर की हाल कर गया, ये फेंकेगा टूट जाएगा। दे रहे दे रहे दे रहे, रुक ठहरो, पिल्ला तोड़ दिया ना, पिल्ला ठीक करवा रहा है पापा से। हाँ बता, ये कर रहा है स्पेशल। रुक जा, चलो रुद्र को इसके घर भेज दो वापस, सेल्फी दे दो, सब दे दो इसको, इसके घर भेज दो। क्या करा बता, वो पप्पी क्यों फेंका उसको, हवा में उड़ा रहे। तो भाई अपने यहाँ चल रहा है काम, एक दो घर बन रहे हैं, साथ में रोड का भी काम चल रहा है, तो इसलिए सारा गंद वंद फैल गया एकदम। अब बस यही है कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो अपनी यहाँ पे सड़कें उड़के ठीक हो यार, ऐसे तो बड़ी दिक्कत है। और अभी आगे से जब देखोगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है गाड़ी निकालने की, पीछे की साइड पर भी पूरा चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ अंदर ही डाल दूँ गाड़ी अपने पास, तो क्योंकि अपनी टाइगर है ना, टाइगर अपनी टाइगर कहीं भी चली जाती है। ये लो जी खाली प्लॉट पे डाल के हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई मैं निकला हूँ अभी जिम जाने के लिए। हाँ भाई कभी कभी चले जाते हैं हम भी जिम, मतलब कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार तो चला ही जाऊँ, और 2 बार तो 100%, बट कभी हो जाए तो 3 बार ही भी चले जाते हैं, मगर बीच बीच में चले जाते हैं। मैं तो चलो अभी तो हमारी ये बेचारी गाड़ी कॉर्बेट के रास्ते पर हो सकती थी, बट वहाँ इतनी बारिश हुई है ना, आपने देखा होगा, मैं एक आधी कोई वीडियो भी आपको डाल के इसमें दिखा दूंगा कि पुल वुल टूट रखे हैं रामनगर में यार, तो जा ही नहीं पाए हम लोग, वरना आज जाना था हमने, और आपको दिखाते हैं वहाँ के अच्छे अच्छे व्लॉग्स। बट यहाँ पर दोबारा से धूप निकल आई है, क्या ही कर सकते हैं, बट प्रेडिक्टेड है भाई बारिश होगी ज़रूर, तो देखते हैं कब तक होती है बारिश, अभी फटाफट जिम मार के आया जाए। अरे भाई जय बजरंग बली कर लो, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को कहते हैं कि भाई आप जब भी गाड़ी में बैठो एक बार बजरंग बली ज़रूर दिखा दिया करो, तो ये रे भाई हाथ जोड़ लो आप लोग भी, और इन्हीं की वजह से है जो उस दिन वो बच के आ गए ना टाइगर्स के सामने से। बस ये
मेरा भाई जिम और येरी अपनी गाड़ी खड़ी मैंने छाँव में कर दी इस पेड़ के लिए, लेकिन अब यहाँ तक आ चुकी है धूप और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छी वाली बारिश है, चलो थी बढ़िया था, बड़े अच्छा है। जैसे हमेशा कहता हूँ ना, फैब्रिक सीट्स है मेरी तो तपती नहीं है। चलो निकले भाई, बहुत तगड़ा कार्डियो मारा यार, बहुत तगड़ा। और आजकल मैं फोकस कर रहा हूँ थोड़ा कार्डियो ही करा जाए, वेट ट्रेनिंग बीच बीच में करता हूँ बट थोड़ा कार्डियो का ज़्यादा फ़ायदा है आजकल, तो उसने थोड़ा घटा लिया जाए पहले। चलो चलें यार, थोड़ी करें एडिटिंग आगे के लिए, आपके व्लॉग्स भी तो बनाने हैं ना भाई। कितने टाइम बाद देखी ये स्विंग मशीन, ये देखो बहुत ज़माने बाद, मेरी दादी चलाती थी, अब तो कहाँ ही यूज़ होती है, टेलर्स ही करते हैं सिर्फ। लेकिन ये और भी पुराने ज़माने की है। तो भाई नहा धो लिया कर, इतना अच्छा लगता है ना जिम से आगे जब नहा लो। कैमरा इसलिए उठाई मैंने क्योंकि मेरे मन में एक बात चल रही थी, सोचा आप लोगों से उस बारे में बात कर ही लूँ। पिछले कुछ दिनों में ना मैंने बहुत सारे, मतलब मैं गिन भी नहीं सकता, बहुत सारे लोग ब्लॉक करे हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है हेट फैलाना, और मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग फालतू कमेंट करते हैं, मैं बड़े दिन तक टॉलरेट करता हूँ और मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता क्योंकि मुझे जेन्युइनली उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब वो हेट धीरे धीरे किसी किसी लोगों के साथ पर्सनल लेवल पर आ जाए ना भाई, फिर डायरेक्ट ब्लॉक। मुझे भिड़ना भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक करता हूँ मैं, क्योंकि नहीं चाहिए भाई अपने को। क्लीन कंटेंट रखना है, कमेंट्स क्लीन रखने हैं, तो अगर आप कोई फालतू कमेंट करते हो तो भाई मैं अभी बता रहा हूँ मैं सीधा डायरेक्ट ब्लॉक मारता हूँ। बट हाँ, अगर आप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करो, कुछ भी करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि वो आपका हक है, आपका ओपिनियन है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब बिलो द बेल्ट या पर्सनल लोकर या फिर एक एजेंडा की तरह कुछ लोग चीज़ें करते हैं ना, उनको मैं फिर ब्लॉक ही करता हूँ। और मुझे पता है वो लोग अलग अलग आईडी बना के भी कई बार वापस आते रहते हैं, बट गिन भी नहीं सकता मैंने कितने लोग ब्लॉक मारे हैं। खैर ये बात अभी छोड़ते हैं यार, आपसे एक और बात भी मैं करूँगा अभी, जो उस दिन टाइगर वाला सीन हुआ था, उस दिन क्या हुआ था और मेरा क्या टेक है उस पर, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं उस वाले ब्लॉग पर। यशवी ऑफिस में है, ऑफिस से आ जाए उसके साथ ये बात करेंगे, क्योंकि वो मेन उसका था वहाँ पे जो पैनिक अटैक टाइप हो गया था, तो उससे बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन सीन, और आपको बताऊँगा कि जेन्युइनली गलती किसकी थी और बेचारे टाइगर की जो एक रिस्पेक्ट थी वो कॉम्प्रोमाइज़ की हुई, तो करेंगे। मगर अभी फ़िलहाल के लिए दिखाता हूँ भाई, जिम के बाद ऐसे फ्रूट्स मिल जाएँ और क्या चाहिए, है ना, तो इन्हें खाया जाएगा फटाफट और वापस एनर्जी ली जाएगी। आ गई भाई, आ गई ऑफिस से, आते ही खाना, आते ही खाने को चाहिए इसे, तो हर कोई ऑफिस से आ गया। बता दूं सबको कि यशवी डाइट कर रही है, ये बताना है सबको। अच्छा बता तो दिया मैंने, बता दिया। अरे यार थोड़ा फर्क, अब हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न क्योंकि यशवी के स्नैक्स आजकल ना यही होते हैं, ये पॉपकॉर्न खाती है, मेरी तरह चिप्स नहीं खाती। बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये पैक्ड है, ये पैकेज नहीं खाना चाहिए, तो इसके अंदर का सारा बटर ऑयल हम निकाल देते हैं, वो भी हम निकालेंगे ही। खोलो डालो इसे, खाने है ना कहीं, तो कुछ तो खाएंगे। हाँ जैसे टाइगर तेरे को खाने वाली थी, बर्गर वगैरह या ये लोग गोलगप्पे जो मेरा, समझ गए भाई सब समझ गए, खाने से बेटर है कि मैं यही खा लूं। जैसे टाइगरस तेरे को खाने वाली थी, मैं ये कह रहा हूँ सच में, बन जाता मेरा चिकन उस दिन, चिकन बन जाता तेरा, तेरी मुर्गी बनती पागल। हाँ मतलब नहीं, मुर्गी का ही चिकन होता है ना, नहीं चूजे का होता है वो यार, हम तो वेजिटेरियन है, हमें क्या पता भाई। इसका ना ऑयल निकाल लेना चाहिए, जैसे इसमें ना बहुत सारा होता है, मैं पहले चम्मच से वो निकालूंगा उसके बाद बनेगा। अब क्यों झाड़ रही है तुम, निकालना ही है ऑयल, मैं वो इसके ये सीड्स निकाल रही थी, देख रहे हो कितना सारा है भाई, हम सारा निकाल देते हैं भाई। यशवी ने एक नई डिश बनाई है, पॉपकॉर्न। क्या है ये, पता नहीं पॉपकॉर्न और कर से किसी का मिक्सर निकल गया था, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का सी पहले कहते थे, उन्होंने पॉपकॉर्न कर दिया, पॉपकॉर्न बनाएंगे रे पॉपकॉर्न भाई। हमने इसको इतना सारा वो निकाल दिया ऑयल, ये देखो जरा, ये इसमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पता कितना ज्यादा है, बहुत सारा है ये देखो। अबे मैं टेढ़ा करता जा रहा, तू भी उसको टेढ़ा करती जा रही है, ये देख फिर करती जा रही है, एक जगह रोक देना ये देखो भाई, क्यों था मैं कर रहा हूँ कि टेढ़ा रहा, दिख नहीं रहा अभी भी इसमें, ये है ये देखो भाई, और निकाल दें श्री। हाँ ये टिश्यू से निकाल देंगे ना, ठीक है। ये बन रहे हैं हमारे पॉपकॉर्न, और ये भी फिर से हमारे घर आ गए हैं पार्क से होकर, इतना लाल हो रहा है बेचारा, गर्मी में खेल कर आया है, जो ऐसे करते हैं रुद्र, पसीना पसीना, चलो मुंह धोएंगे, मुंह धोएंगे, आओ जाओ, अभी भी मुंह धोएंगे, पसीने पसीने हो गया बेचारा, पॉपकॉर्न फटने चालू हो गए हैं और साथ में रुद्र पानी। पॉपकॉर्न आ गया हमारा, लेकिन थोड़े जले हुए बन गए आज तुमने जला दिए, लाइट चली गई थी इसलिए,
लाइट जाने से गैस का कुछ कनेक्शन होता है? गैस में तो मेरे को नहीं पता, मुझे तो फ्रायर में नहीं करे हो ना कहीं। नहीं नहीं वो दूसरे, वो अपने ठीक है, वो कह रहे हैं माइक्रोवेव पॉपकॉर्न फ्राई होके बनते हैं, माइक्रोवेव में भी बन सकते हैं। पापा ने भी बोला है कि मुझे लगा कुछ फ्राई होके बनता है, का मतलब माइक्रोवेव फ्राई होके नहीं, उसमें क्या है वो तुम्हारा पैकेट एयर फ्रायर, एयर फ्रायर, एयर फ्रायर में थोड़ी बनते हैं पॉपकॉर्न, मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम एयर फ्रायर में। मगर चलो मैंने सबको पहले से बोला होता कि अभी जब इश्यू ऑफिस से आ जाएगी ना तब मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ देखी है ना, तेरा रिएक्शन जब टाइगर्स ने इतना ज़्यादा वो कर दिया। मैं तो कह ही रही हूँ, मैंने व्लॉग में भी इतनी बार बात बोली कि पहले लगता था अरे टाइगर है पास से जा रहा है। एक्चुअली ज़्यादा डर तब लगता है जब आपको शुरू से पता हो कि वो टाइगर एग्रेसिव अपने मूड में है और बात कर रही है, तब ज़्यादा डर लगता है। मैंने पता पूरी स्टोरी हुई क्या थी उस दिन, हम लोगों को एक सफारी से पता चला कि एक टाइग्रेस है जो चल रही है रोड बाय रोड और वो काफ़ी आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेरिटरी मार्क कर रही थी वो। तो हमने कहा ठीक है भाई हम भी उसकी वेट करते हैं। हमें वो दिख गई नीचे की तरफ, आपने ब्लॉग में देखा होगा वो खड़ी थी, और सामने से उतरने में होता है दो गाड़ियाँ आती हैं जिनको हमने इशारे करे कि भाई वहीं पर रुक जाओ नीचे टाइग्रेस है। पहले उन्होंने गाड़ी में रोक दी, उसके बाद जब टाइग्रेस ऊपर आने वाली थी उन्होंने सीधी गाड़ी बहाई उसके मुँह पर, उसको उस टाइगरस ने उन पर पहले चार्ज करा बहुत तेज गुर्रा के और वापस नीचे की तरफ होगी। अब इसने में वो आ गई गुस्से में, उसके बाद क्यों रही है तू पता है, तो ऑन कैमरा में उदास मूड क्यों वो रख रहे, इसने स्माइल करके बैठी हुई थी देर से। कुछ भी यार पॉपकॉर्न खा के या तो कुछ बोल दे दो या थोड़ा कैमरा उधर करो तो मैं अच्छे से खा लूं। अरे कैमरा उधर कर, मैं नहीं खा रहा। अब वो एग्रेसिव उस टाइम हो चुकी थी और उसको उन्होंने ठोकनी शुरू कर दी गाड़ियां वहां पे, फिर वो किसी तरह क्रॉस करके गई, फिर वो हमारे को दोबारा मिली। ये क्या हो रहा है इधर, अच्छा इसलिए ऐसा जा रहा है, ये भी बैठा है ना इधर और क्या। अरे मार रहा है तो उसके बाद जब वो दोबारा निकल कर आई ना तो हमारी जिप्सी आगे थी, तब तक हमें नहीं पता तब तक वो नॉर्मल चल रही थी, बट क्योंकि हमारे पीछे इतनी सारी गाड़ियां थी और उन्होंने पीछे इतना ठोकना शुरू कर दिया कि वो टाइगर को जगह नहीं मिली। जब जगह नहीं मिली तब उसने चार्ज करना शुरू करा और हम पीछे करा नहीं पाए। अब क्यों जरी है, सीन याद आ गया कि तुम बार बार मुझे बोल रहे रुक जा और मुझे लग रहा था कि मेरी तरफ से जीप नीचे थी और वो एकदम साइड में, तब मुझे लगा ये ना ऐसे नहीं कि मुझे ले जाएगी। गलत नरेट कर रहे हो तुम लोग। अच्छा हम गलत कर रहे हैं। जब हम लोग उस रोड पे आ चुके थे जहाँ पर वो टाइगर थी उस समय हम सिर्फ अकेले थे, वो हमारे सामने चलती आ रही है धीरे धीरे, इतने में एक अनदर जिप्सी जो थी वो और उधर से आई जो एकदम से सीधा हमारे ऊपर चढ़ाया, जिसपे वो टाइगर जो थी बीच में चलते थे साइड हो गई और वो जिप्सी वाले को मैं कह रहा हूँ भाई तो अपनी गाड़ी उधर करके निकालना तो हमारे ऊपर क्यों चढ़ता हुआ आ रहा है। तो जैसे उसने उधर करके निकाल के वो आगे गया तो बिल्कुल हमारे सामने आ गया, इधर रास्ता ब्लॉक हो गया हमारे आगे बिल्कुल। एक तो गाड़ियाँ सामने से आ रही थी उन्होंने हमें रोक दिया और एक तो हमारे पीछे से आके इधर आ गई उसने और हमें ब्लॉक कर दिया, अब हम वहाँ फंस गए। और ये तो रूल है ही कि हम टाइगर को लोग हमें क्रॉस नहीं कर सकते, तुम पीछे क्यों नहीं चले गए। Exactly, ये बहुत लोगों ने बोला पीछे पॉसिबल नहीं था यार, खाली था लेकिन हम टाइगर्स को क्रॉस नहीं करके बैक कर सकते थे। हां तब वो हमें पीछे, जब टाइगर्स आगे जा रहे, मुझे किसी ने भी कमेंट कर रहा था कि भाई तुम उस तरफ चले गए थे टाइगर्स के जहां पे जगह थी, टाइगर्स को भाई क्रॉस करके नहीं जा सकते ना ऐसे, वरना उसको लगता है चार्ज हम कर रहे हैं उस पर। तो ऑल इन ऑल ना यहाँ दिक्कत ये थी कि दो तीन गलत ड्राइवर्स की वजह से ये सीन हुआ, बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई सब ड्राइवर्स की कंप्लेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो ड्राइवर गाइड थे बहुत बढ़िया कर रहे थे, दो तीन ऐसे एमेच्योर वहाँ पे थे जिनकी वजह से ये सारा सीन हुआ और उसके वजह से सबको भुगतना पड़ता है। बट ठीक है एक बार ऐसा सीन हो गया, बार बार हमेशा ऐसे मौके नहीं बन जाते। साइटिंग बहुत अच्छी थी पर सबसे स्केरी वाली भी थी हमारी, और वो नई डायग्रेस थी, पहली बार टूरिज्म जोन में आई थी, कोर जोन से अपनी टेरिटरी मार्क कर रही थी तो उसको इतना फेमिलियर भी नहीं थी वो जिप्सी से, तो उसे थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव मोड में हो गई। ठीक है इतना शोर भी नहीं मचाया था, हम तो आपस में बात कर रहे थे कि चलो 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 चलो, पर इसको तो पैनिक हो गया था ना, तो क्यों नहीं होगा, पहली बार ऐसी सिचुएशन सामने आई थी। अब ये हो रहा था कि इतनी तेज हम चिल्ला रहे थे कि अरे यहाँ से जाओ ये करो वो, जा ही नहीं सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे तो इतनी नदी थी उनको टच कर सकते थे, बहुत थी तभी तो मैं छुप दी गई, हम तो टच करने की हमारी बिल्कुल एकदम नजदीक में थी, हम टच कर सकते थे उसको, इतनी नजदीक थी हमारे, बस मम्मा नहीं जा पाए। शुक्र है मैं नहीं थी उस दिन, वरना मेरी कमर की बैंड बज गई थी उस दिन। कमर के अलावा दुनिया की बैंड बजाती तू तीन चीख चीख के। नहीं खैर वो तो चलो जो होता होता ही। तो गाड़ी को साइड से निकलते तो हुई हो जाती है तो टाइगर आ गई थी सामने। रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो, होता ही चिल्लाता ही बंदा। इसको कुछ मतलब ही नहीं, वो अपना मजे में है। ये दे कोक जीरो दे मुझे। अरे पीने तो दे।
ले बेटा। अब आई हो तू, ठंडा है ना, ठंडा अच्छा लग रहा है। तो भाई अब ना ट्राई करेंगे कि अब मैं अगले शायद दो दिन भी व्लॉग करूं, और अभी हमारी जो पीलीभीत की सीरीज है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आप ये वाला व्लॉग अभी पहले देख रहे हो, क्योंकि मुझे था कि आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था, इसलिए मैं ये व्लॉग बीच में डाल रहा हूं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे व्लॉग्स भी आप अप्रिशिएट करो जैसे हम फैमिली के साथ बनाते हैं। मुझे पता है इसकी मेरी एक ऑडियंस है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, बट फिर बीच बीच में मैं बना देता हूँ ये वाला। तो अभी मैं कल परसों भी व्लॉग करने वाला हूँ, देखता हूँ कि पहले पीलीभीत का बीच में मैं सफारी व्लॉग्स डालूंगा या फिर इन्हीं को एक दो दिन कंटिन्यू करूँ। बट इसके बाद ये वाला तो मतलब अभी पहले होगा, और मुझे अब एडिट करना है चल के। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, क्योंकि आप या तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।